किस तरह का पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं? श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में जनभाषा अवधि में लिखी थी। इस पुस्तक का मैंने काव्य अनुवाद किया है, जो कि 4 अप्रैल 2023 को दिल्ली में लोकार्पित किया जाएगा। इसका विमोचन स्वामी वासुदेवानंद जी शंकराचार्य जी महाराज करेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अन्य गणमान्य अतिथि इसमें रहेंगे, माननीय श्री अनुराग सिंह जी ठाकुर जो कि सूचना प्रसारण मंत्री वो भी रहेंगे, श्री जितेंद्र नाथ जी, स्वामी जितेंद्रनाथ जी, सरस्वती जी महाराज और श्री राम राजेश्वराचार्य जी तथा श्री रविंद्रपुरी जी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद वो भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति रहेंगे। ये पुस्तक मैं पिछले 3 वर्षों से अनुवाद कर रहा था। जीवन का अनुभव देने के बाद में जो मुझे लगा, प्रभु राम की कथा जो इतने सुंदर तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है, उसमें हम सबके लिए संदेश छुपा है। राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श शासक थे और इन सारी भूमिकाओं में सुंदर संतुलन निर्वाह करके चलते हैं। तो मुझे लगा कि हम सबको सीखना चाहिए अपने जीवन के लिए। कोविड काल में जबकि काफ़ी त्रासदी थी सब जगह, उस समय मैंने इसे पढ़ा और मुझे बड़ी शांति मिली। मुझे लगा कि इसको मैं आज की जनभाषा हिंदी है इसमें घर घर तक पहुँचाऊँ। बात करें, बहुत लोग रामचरितमानस का जो है जी विवादित बयान दे रहे हैं, इस पर क्या कुछ उसके अंश थे जिस पे काफी विवाद हुआ है, कुछ क्या उसके बाद यह आवश्यकता पड़ी? दरअसल राम कथा में तो ये सागर है, इसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस का मतलब है भगवान राम की लीलाओं का सरोवर। सरोवर कितना बड़ा है, इसमें कितने मोती छुपे हैं, वो तो उसमें डुबकी लगानी पड़ती है। जो किनारे से रहकर छपका मारकर और उसका अर्थ नहीं जानते हैं, उस पर टिप्पणी करना क्यों, हमारे पास और महत्वपूर्ण विषय है। और इसके जो विचार आया उसके कोई विवाद नहीं है, विवादों की जो परे है। इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, आप सब हिंदी भाषा इसका अर्थ जानते हैं तो आप बहुत प्रसन्न होंगे कि तुलसीदास जी ने इसके अंदर ज्ञान भक्ति वेदांत के दर्शन सांख्य दर्शन इतनी सरल भाषा में विवेचना करी है, आनंद आएगा। सुंदर अलंकार, सुंदर उपमाएं पढ़कर आनंद आएगा। आइए थोड़ा विस्तार से इसके बारे में आप बता दो कि हम इसको कैसे लेके जाते हैं। मेरा उद्देश्य है कि राम की कथा घर घर में जाए। घर घर में जाने के लिए घर घर की भाषा हिंदी में Thank you.